खेत में जा रहे हैं, मेरा साथ है मेरा बेटी। खेत में ट्रैक्टर लोडिंग हो रहा है, नाश्ता भी है साथ में, चाय पानी है। आदमी लोग काम कर रहे हैं। ये रही मेरा बेटी, हम दोनों जाएगा अभी खेत में। मेरा साथ आ गया, मैं जा रहा है तो इसलिए वो भी बोल रहा है जाएगा घूमने के लिए खेत देखने के। तब इसको लेके आ गया, बहुत घास है बड़ा बड़ा, जाने का थोड़ा मुश्किल है। खेत में तो होता ही है घास, लेकिन वो मान नहीं रहा है, वो आएगा ही मेरे साथ इसलिए लेके आ गया। आदमी लोग खेत काट रहे हैं। बहुत दूर है खेत, जाने के लिए बहुत टाइम है, 10 मिनट तक चाहिए। लोडिंग कर रहे हैं, देखो कितना दूरी पे है। हम अभी आधा खेत में आ चुका है, देखो किस तरीके से धान लोडिंग हो रहा है ट्रैक्टर पे। अभी ये ट्रैक्टर लोडिंग उधर से घूम के जाएगा, इधर से घूम के जाएगा। वो घूमना है, बहुत ज़्यादा लेट होता है, घूम घूम के जाना पड़ता है। रोड खाली नहीं हुआ ना खेत। इधर से घूम के हमारे गांव पे जाएगा, इधर इस गांव पे जाएगा। कितना दूर है जो दिख रहा है वही है हमारा गांव। कितना दूरी पे है खेती है गांव से, बहुत ज़्यादा दूर है। इधर रोड नहीं है ना, ये कटिंग होगा तो उसके बाद रोड मिलेगा। अभी तो हमारा ढंग खाली हो चुका है, पूरा खत्म हो गया। अभी मुश्किल है खेत में, अगर ज़्यादा दूर है धान लेके जाना बहुत मुश्किल है। अगर रास्ता मिल जाता है तो अच्छा है। इधर ही बीच में थोड़ा सा जगह बचा है काटने के लिए, इसके वजह से हमें रोड नहीं मिला। अभी ये तो इधर से कटिंग हो गया, ये देखो इधर का पूरा कट हो चुका है, ये रोड खाली है। इधर जा सकता था लेकिन वो बीच का बचा है। अगर काट के इसे राख भी देने से हम उसको साइड करके रास्ता क्लियर कर सकते थे, कटिंग ही नहीं है तो कैसे सेट करेगा। इसके वजह से हम हमारा गाड़ी उधर से घूम के आ रहा है। वो देखो कितना दूरी से घूम रहा है, एक खेत पूरा एक हफ्ते के अंदर खाली हो जाएगा। एक हफ्ता में पूरा खेती खाली हो जाएगा। अभी हमें घर पे जाना है, साइकिल से आएगा चला जाएगा, साइकिल से यहीं तक रास्ता ख़त्म। ठीक है, हमारा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। कितना बीच में जाना पड़ता है खेत के लिए।